सत श्री अकाल जी सारियां नूं स्टडी एट इनफोबिस तुहाडा स्वागत है। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि असीं तुहानूं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी द्वारा कढ़ियां गईयां पोस्टां वार्ड अटेंडेंट अते मल्टीपल हेल्थ वर्कर की तैयारी करवा रहे हैं। इसलिए इन्हां पेपरां की पूरी तरह तैयारी करने लई जो जो चैनल उत्ते नवे आए हैं वो सब तो पहला तो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं दबा लैण तां कि इन्हां वीडियोज़ विच्चों कोई भी वीडियो तो तुसीं वांझे ना रह जाइओ। इस तों इलावा जेकर तुहानूं इस संबंधी कोई स्टडी मटीरियल की जरूरत है तो तुसी साडे टैलीग्राम अते इंस्टाग्राम ग्रुपां नूं ज्वाइन कर सकते हो। इन्हां दोनों के लिंक टैलीग्राम अते इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिते हुए हैं, तुसी उत्थों जाके इन्हां नूं ज्वाइन कर सकते हो। जां फिर तुसी अपने टैलीग्राम अते इंस्टाग्राम उत्ते स्टडी एंड इनफो सर्च करके भी इन्हां ग्रुपां नूं ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे तुहानूं इस भर्ती संबंधी सारा स्टडी मटीरियल मिल जाएगा। अज्ज दी इस वीडियो राहीं आपां मैथ दी सीरीज शुरू करांगे। इस वीडियो च आपां मैथ दे पहले चैप्टर नंबर तो शुरुआत करांगे। यह सारे क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम लई एक्सपैक्टेड हैं। इन्हें सारे क्वेश्चनों ध्यान नाल देखियो अते इस तों बाद इसे तरह के ही क्वेश्चन खुद करियो। इस दे नाल दे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुहानूं टैलीग्राम अते इंस्टाग्राम ग्रुपां उत्ते पा देवांगा। अज असी चैप्टर 1 नंबर्स दे क्वेश्चन करन लगे हां। पहला क्वेश्चन देखदे हां। पहला क्वेश्चन है इन 6872 व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ 2। मतलब 6872 विच 2 दी फेस वैल्यू की है। जो सानू डिजिट ए दिता होया है 6872, इस विच असी फेस वैल्यू जो 2 दी दसनी है। फेस वैल्यू की हुंदा है, किसी भी डिजिट विच जा किसी भी नंबर विच जो उसकी खुद की वैल्यू हुंदी है उसे नू उसकी फेस वैल्यू कहंदे हां। मतलब 6872 विच 2 दी फेस वैल्यू 2 ही होवेगी। जेकर तुहानू इस विच पुछा जांदा है कि 6 दी फेस वैल्यू किन्नी है, तां 6 दी फेस वैल्यू 6 ही है। 8 दी फेस वैल्यू 8 ही है। मतलब यह इस दे फेस दी वैल्यू है कि उसके खुद दी फेस दी वैल्यू किन्नी है। सो यह बहुत ईजी क्वेश्चन सी। फेस वैल्यू का टॉपिक तुहानू इस नाल क्लीयर हो गया होगा कि फेस वैल्यू सानू किवें पता लगेगी। चलो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन ते। साडा दूसरा क्वेश्चन है इन न्यूमरल 70984 प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज। सानू जो न्यूमरल मतलब जो नंबर दिता है 70984 ए साडा नंबर है, असी इस विच 9 दी प्लेस वैल्यू दसनी है। हुन जो साडी प्लेस वैल्यू हुंदी है इस तो भाव है कि उसकी जगह दी किन्नी वैल्यू है जिस जगह ते उह स्थित है। साडे कोल 9 इत्थे किथे प्लेस है, इहदे लई असीं कुछ नहीं करना। पहला उस डिजिट दी फेस वैल्यू लिख लेनी, फिर उस दे पिछे जिन्ने डिजिट हन ओनियां जीरोआं ला देनियां। इह साडे कोल इस दी प्लेस वैल्यू आ गई जो कि 9 दी प्लेस वैल्यू इस नंबर दे विच 900 होएगी। अगर सानू इस विच 8 दी प्लेस वैल्यू पुछी है, 8 दी प्लेस वैल्यू तां ओह 8080 क्योंकि 8 दे पिछे इत्थे सिर्फ एक डिजिट मौजूद है। 4 दी प्लेस वैल्यू क्योंकि 4 दे पिछे कोई डिजिट मौजूद नहीं तां 4 दी प्लेस वैल्यू सिर्फ 4 ही होएगी। चलो अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। उम्मीद है तुहानू प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लीयर हो गया होगा। सारे डिजिटां दी प्लेस वैल्यू की हुंदी है। एक इस विच जो 0 है, 0 दी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहंदी है बेशक ओह किते भी मौजूद होवे। चलो हुण असी क्वेश्चन नंबर 3 देखदे हां। क्वेश्चन नंबर 3 है 7589 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3434। इस विच असी ए सिंपलीफिकेशन दा क्वेश्चन है। इस तरह दे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हन। इस नूं असी किवें करदे हां, जिथे भी क्वेश्चन मार्क है उस दी जगह ते असी लेट कर लेने हां कि कोई एक्स होवेगा जो कि इस दे बराबर है। हुण असी इस विच एक्स दी वैल्यू कढ़नी हुंदी है। एक्स इधर माइनस दा है, एक्स नूं एक पासे ले जाओ, उधर जाके एक्स जो प्लस दा हो जाएगा। ते ए 3434 नूं असी इधरली साइड लेके आना है ता ए 7589 विचों माइनस हो जाएगा क्योंकि ए सज्जी वाली साइड प्लस च है ता इधर आके माइनस, ए माइनस च है ते इधर आके प्लस। हुण असी इन्हां दोहां नूं आपस च
माइनस करना है, मतलब 7589 विचों 3434 माइनस किता साढ़े कोल की आ जाएगा 9 चो 4 5, 8 चो 3 5, 5 चो 4 1 ते 7 चो 3 4, जानी कि 4155 इसका आंसर होगा जो साढ़े कोल एक्स की या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। हुण असी नैक्सट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 ते चलते हाँ। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट डिजिट नाल संबंधित है। जो साड़ी यूनिट डिजिट हुंदी है इस विच सानू क्वेश्चन च पुछा की है यूनिट डिजिट ऑफ 21 रेस टू पावर 130, मतलब सानू 21 दी पावर 130 है ते असी एदा यूनिट डिजिट मतलब इसनू सॉल्व करन तो बाद जो भी इसका पहला डिजिट जा इसनू इकाई अंक भी कहंदे हां ओ असी इसका फाइंड करना है। इसलिए असी की करांगे इस डिजिट दा असी पिछला अंक देखांगे जो कि की है 1 है। 1 नूं तुसी जिन्नी वार भी उसकी पावर कुछ भी ले लो, 1 की पावर कुछ भी होवे उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, चाहे 1 की पावर 100 होवे, 200 होवे, 300 होवे, क्योंकि ये जदों आपस विच गुणा हुंदा है तां 1 हमेशा 1 ही रह जांदा है। जिवें कि तुसी 21 नूं 2 वार गुणा करके देखो तां इह 441 मतलब 441 तां इस दे पिछे भी 1 ही आया। इसी तरह तुसी इस दीआं जिन्नीआं भी पावरां लाओ पिछे 1 रहेगा। इसी मेथड नाल असी इस नूं सॉल्व कीता कि 21 दी पावर 130 दा यूनिट डिजिट यानी कि आखरी अंक हमेशा 1 ही होवेगा। इस दे रिलेटेड थोनूं कोई भी क्वेश्चन आ जावे 1 दा पिछे 1 होवे तां 1 ही होवेगा। इसी तरह पिछे 0 होवे तां वी यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होवेगा। हुण साडा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 666 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 3 मतलब 666 नूं डिवाइड करना है 6 नाल, उस नूं भी डिवाइड करना है 3 नाल, असी दसना है किन्ना आंसर आवेगा। इस नूं असी किवें लिखोंगे 666 डिवाइड बाय 6 ते ए अगे फिर 3 नाल डिवाइड हो रहा है। हुण इस नूं सॉल्व किवें करना है देखो, सब तो उपरला डिजिट एज इट इज रहेगा ते उस दे निचला डिवाइड हुंदा, जेड़ा ए 3 है इस दे नीचे हुण 1 है जो कि उपर जाके उल्ट जाएगा, मतलब ए की बन जाऊगा 1/3। बस इस तो बाद तुसी इस नूं सॉल्व कर लेना है, 6 नूं कट दो 1/1/1 ते 111 नूं 3 ते, 3 3 9, 2 इधर गए, 3 7 21 यानी कि साडे कोल इसका आंसर आ गया 37। हुण असी चलदे हां नैक्सट क्वेश्चन ते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 201 मल्टीप्लाई 201 मतलब 201 नूं गुणा करना है 201 नाल। इसका एक बहुत ही सौखा तरीका है, तुसी इस नूं वैसे तां सीधा गुणा भी कर सकते हो जिस तरह तुसी करते हो 201 गुणा 201, पर इस नाल बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। असी इस नूं एक मैथड नाल सॉल्व करांगे। 201 नूं जदों 2 वार मल्टीप्लाई करना है तां असी इस नूं 201 दी पावर 2 लिख सकते हां, ते हुण असी इस 201 नूं तोड़ के 200 प्लस 1 दी पावर 2 लिख सकते हां। हुण असी इस ते एक फार्मूला अप्लाई करांगे a प्लस b दा स्क्वायर। a प्लस b दा स्क्वायर ए की हुंदा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ए दा स्क्वायर मतलब 200 दा स्क्वायर, जदों असी 200 दा स्क्वायर करांगे तां 2 2 4, 2 जीरोआं दा 4 जीरोआं बन जाणगीआं, क्योंकि 200 नूं 2 वार मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 2 2 4 पिछे सारियां जीरोआं। प्लस बी दा स्क्वायर मतलब 1 दा स्क्वायर, 1 आ जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2 × a है 200 इंटू बी है 1, मतलब ये हो जाएगा 40,000 प्लस 1 प्लस 400। इन्हें सारे नूं आपस जोड़ देना है, साढ़े कोल इसका आंसर की बन जाएगा 40401। ये साड़ा इसका आंसर है। इसकी मदद नाल तुसी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन
सॉल्व कर सकते हो। साडा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, -84 मल्टीप्लाई 29 प्लस 365। इस विच असी सब तो पहला मल्टीप्लाई करांगे क्योंकि तुसी एक बोर्ड मास दा जो रूल हुंदा है इसनू पढ़िया होवेगा, इसनू ही असी इस विच अप्लाई करना है। इस विच सब तो पहला देखो एडिशन तो पहला मल्टीप्लाई आंदा है, मल्टीप्लाई तो पहला डिवाइड, डिवाइड तो पहला ऑफ, ते ऑफ तो पहला ब्रैकेट। मतलब असी पहला एड नू नहीं करना, पहला असी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ए तो पहला मल्टीप्लाई आंदा है। ता असी 84 नू 29 नाल गुणा कर देवांगे, ए किन्ना आ जावेगा, ए साडा जो मल्टीप्लाई करके आया है क्योंकि इस दे अगे माइनस लगा होया है ते इसने माइनस विच ही बनना है। मतलब -2436 ते +365। हुणे प्लस माइनस माइनस जणो कि असी इस विचो इसनू घटाऊंगे, मतलब असी 365 इस चो माइनस करांगे, 6 चो 5 1 13 चो 6 7 ते 3 0 2 दा 2 रह गया, एदा 2071। पर बड़े दे अग्गे माइनस होने करके इस दे आंसर अग्गे भी माइनस लगेगा, तो ए इस दा सही उत्तर है। तुसी इस विच प्लस माइनस दा बहुत ख्याल रखना है कि साडे कोल असी जो फाइनल आंसर है उस विच बड़े आले साइन नू इग्नोर ना कर दईए क्योंकि ऑप्शनां विच इस दा एक आंसर प्लस विच जरूर होवेगा, तो इस माइनस दा तुसी खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हां, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज डिविजिबल बाय 4। सानू चार ऑप्शन दित्तियां होईयां ने, 176, 238, 201, 345। इना विचों असी दसना है कि किस नंबर नू 4 जो है पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। इस दे लई इसदा एक सिंपल मेथड है, अगर तुसी 4 नाल डिविजिबिलिटी देखनी है तां तुसी लास्ट दो अंक देखने हन कि 4 नाल डिविजिबल हन। असी इस विच लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, असी पूरा नहीं चकना, सिर्फ लास्ट 2 डिवाइड कर जाएगा, मतलब ओ 4 नाल डिविजिबल है। देखो ते हुण ए 201 जो है एह ऑड नंबर है, मतलब एह 2 नाल डिवाइड नहीं हुंदा। जे ए 2 नाल डिवाइड नहीं हुंदा तां इसने 4 नाल भी डिवाइड नहीं होना, तां ए ऑप्शन कैंसल कर होगी। इसी तरह 345 भी ऑड नंबर है, ए भी ऑड दा मतलब ये 2 नाल डिवाइड नहीं हुन, को दो ऑप्शन रह गया, एदे असी लास्ट 2 डिजिट जो है 4 नाल डिविजिबल नहीं है। ते इस दा वीडियो वधिया लगी ते चैनल नु लाइक शेयर ते सब्सक्राइब जरूर करियो, क्योंकि तुहाडे इस तरह करन नाल सानू मोटिवेशन मिलदी है कि तुहाडे लई होर भी वधिया तो वधिया वीडियोस लैके आईए। इस संबंधी तुसी अपने कोई भी सुझाव कमेंट बॉक्स विच दे सकते हो। चलो मिलदे हां अगली वीडियो विच, तद तक लई धन्यवाद।